Hey guys, welcome back to our channel. This is another weekend, yet another adventure for us here in Amsterdam. बहुत अच्छी बात है, आज फिर से धूप खिली है और आज हम लोग आए हैं हमारे कुछ फ्रेंड्स के साथ. There are our friends. Hey guys, say hi to the vlog. Alright, so अब चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं आज एक बहुत ही ब्यूटिफुल नेचुरल कॉर्नर ऑफ एम्स्टरडैम. स्प्रिंग का सीजन, खाते हैं आपको कि हम क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं. बहुत ही सुंदर है. कम, लेट्स टेक इट आउट. ब्लॉसम पार्क क्यों है? जैसा आप मेरे आसपास देख सकते हैं, यहाँ पे हैं बहुत सारे चेरी ब्लॉसम ट्रीज और कितने सुंदर लग रहे हैं ये आप फ्रेम में देख ही सकते हैं. मैंने कभी पहले चेरी ब्लॉसम पार्क नहीं इंजॉय किया है, तो मैं और शुभम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ की ब्यूटी को, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं. आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. एंड इफ़ यू आर इंजॉइंग आवर एफर्ट्स, हिट द लाइक बटन. ब्लॉसम पीरियड सिर्फ 2 वीक्स का होता है, तो अगर आप एम्स्टरडैम में हैं और ये चेरी ब्लॉसम ट्रीज का एक्सपीरियंस एंजॉय करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द हाई टाइम कि आप ब्लॉसम पार्क आएँ और ये ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर एंजॉय करें. लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते. जैसे जब तक हम लोग इंडिया में रहते थे, हमें लगता था कि धूप हमें बहुत एक्चुअली परेशान करती है. इन जनरल काफ़ी गर्मी होती थी इंडिया में, बट जब हम लोग नेदरलैंड्स मूव हुए तो हमें रियलाइज़ हुआ कि धूप की इम्पोर्टेंस क्या होती है लाइफ में. नेदरलैंड्स का जो मौसम है वो साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा दिन काफ़ी ग्लूमी रहता है, और उसकी वजह से और प्लस विंटर्स भी यहाँ पर ज़्यादा हार्श होते हैं, तो यहाँ पर इन जनरल एक डिप्रेशन सा हो जाता है विंटर में, बिकॉज धूप आपको देखने को नहीं मिलती है. और आज सैटरडे है जैसा मैंने आपको बताया, और अभी बजे हैं 9:05 एंड लुक अराउंड मी, बिकॉज इट्स अ सनी डे इन एम्स्टरडैम, पीपल आर आउट एंड अबाउट, इट्स जस्ट 9 इन द मॉर्निंग एंड एवरीबडी इज़ एंजॉइंग दिस ब्यूटीफुल सन इन दिस ब्यूटीफुल चेरी ब्लॉसम गार्डन इन एम्स्टरवीन इन एम्स्टरडैम. देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ दैट वी शुड एंजॉय एंड नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड, सो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सिनेरियो. Oh, oh, oh.
भी एम्स्टरडम में एक सनी डे होता है, लोग इंजॉय कैसे करते हैं, वो एक फुल फ्लेज्ड पिकनिक डे में कन्वर्ट हो जाता है लोगों के लिए, स्पेशली आई वुड से फैमिलीज के लिए। लोग अपने बच्चों को लेके और अपना एक पिकनिक बैग छोटा सा बना के दे कम टू प्लेसेस लाइक दीस। और यहाँ पे कोई कमी नहीं है ऐसे गार्डन्स की, देयर लाइक सो मेनी डिफरेंट गार्डन्स जहाँ पे आप जा सकते हो एज अ फैमिली, अपना मैट सेटअप कर सकते हो ऑन द ग्रास, यू कैन हैव योर ड्रिंक्स और फूड, यू कैन रीड अ बुक। जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे धूप कम होती है तो यूजुअली पीपल सन बेद, एंड दैट्स ऑल्सो अनदर लीजर एक्टिविटी, एंड दिस इज हाउ पीपल लीड देयर लाइफ हियर। प्रीटी ऑसम, इज़ इट?